आज की वीडियो में बात करेंगे सैमसंग के सबसे बजट स्मार्टफोन के बारे में। ठीक है, इस मोबाइल का नाम है सैमसंग A4 कोर। ठीक है ना, तो सैमसंग गैलेक्सी A4 कोर में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, रिलीज डेट एंड प्राइस पाकिस्तान और इंडिया में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ना, इसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें, कंप्लीट वॉच करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स की, ये देख सकते हैं। ठीक है ना, इसकी बात कर लेते हैं प्राइस की भी। तो जैसा कि मोबाइल्स का लुक्स नज़र आ रहा है हमें, ठीक है ना, काफ़ी बजट मोबाइल है। ठीक है, बल्कि इसको मैं कहूँगा चीपेस्ट मोबाइल है सैमसंग का इन मार्केट। ये अभी लॉन्च होना है, अभी लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है ना, तो अभी इसके लीक एंड रूमर्स निकल कर आए थे तो मैं सोचा कि वीडियो बना दूँ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं इंटरनेशनल प्राइस की। इंटरनेशनल प्राइस की है $150, जो कि पाकिस्तान में कन्वर्ट की है $150 से कन्वर्ट किया, लगभग 32,000 रुपये पाकिस्तानी प्राइस निकल कर आई है इसकी, ये देख सकते हैं। ठीक है ना, $150 से। ठीक है ना, तो इंडिया में कन्वर्ट किया लगभग 11,700, मतलब 12,000 रुपये प्राइस निकल कर आई है। ठीक है ना, $150 से। तो मेरे ख्याल से ये स्पेसिफिकेशन इसकी देखकर हम बताएंगे क्या ये $150 को, मतलब $150 के ये लेवल का है भी नहीं, या फिर सैमसंग लूट ही रहा है। ठीक है ना, या फिर मोबाइल अच्छा है अपनी प्राइस के हिसाब से। तो अभी हम आ गए स्पेसिफिकेशन के ऊपर, स्पेसिफिकेशन देखते हैं और बात करते हैं मोबाइल कैसा है। ये देखें, लॉन्च डेट कुछ भी मेंशन नहीं है। अच्छा, मैं लॉन्च डेट तो बताने ही भूल गया, सॉरी। अच्छा, लॉन्च डेट मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ। मेरे ख्याल से ये अगस्त या सितंबर में आएगा। ठीक है ना, अगस्त या सितंबर में आएगा दोनों ममालिक में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। ये देखें, इंडिया में लिखा हुआ अगस्त में लिखा हुआ इन्होंने एंड ऑफ अगस्त, पाकिस्तान में हमने लिखा हुआ, यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट है उन्होंने लिखा हुआ है एंड ऑफ दिसंबर। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये सितंबर में आ जाएगा पाकिस्तान और इंडिया में। ज़्यादा देर नहीं करेगा सैमसंग, हो भी सकता है कि सैमसंग देर कर दे। ठीक है ना, सैमसंग है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो सबसे हम स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिकेशन ये हमारे पास आ गए इसकी स्पेसिफिकेशन। और देखिए, 4G मोबाइल है, 5G नहीं है, जैसा कि बजट मोबाइल है। प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक बैग प्लास्टिक फ्रेम के साथ है। ठीक है ना, अच्छा फ्रंट पर नहीं बताया हुआ है कि ग्लास होगा कि नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से फ्रंट पर होगा ग्लास। 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 81.8%। अब इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे ख्याल से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेहतर है, बुरा नहीं है। ठीक है ना, और बात कर लें यहाँ पर इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो 720x1600 इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी, 20:9 का रेशियो होगा और 270 PPI होगा। कम्स विद एंड्रॉयड 12 एंड एक्सिनोस 850। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्सिनोस की चिप डाली गई है। ठीक है ना, देख सकते हैं 850 चिप है इसकी, 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे तैयार करता प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। ठीक है ना, 3 GB की रैम आई, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज आ गई। ठीक है ना, अच्छा बात कर लेते हैं अच्छी चीज़ों की बुरी चीज़ों की। सबसे पहले बात करें, देखें स्क्रीन इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छा है, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी ठीक ठाक है, और PPI भी बेहतर है। ठीक है ना, और चिप मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एटलीस्ट जब मोबाइल आएगा तो जब पता चलेगा कितनी परफॉर्मेंस में है। ठीक है ना, और मेरे ख्याल से एंड्रॉयड गो एडिशन आएगा इसके अंदर। ठीक है ना, या हो सकता है सिंपल एंड्रॉयड आए, एंड्रॉयड गो ना आए। ठीक है ना, इसके रिव्यूज़ और कंपैरिजन देखने के लिए चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, अभी हम आ गए इसके कैमरा की स्पेसिफिकेशन की तरफ, ये देखते हैं कैमरा की स्पेसिफिकेशन इसकी। यार स्पेसिफिकेशन आ गई। अच्छा, तो मेन सेंसर यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर इन्होंने कैमरे में काफ़ी गंद किया हुआ है। ठीक है ना, तो जस्ट 8 MP का कैमरा मिल रहा है हमें। ठीक है ना, 8 MP का, 8 MP का बैक पर सिंगल कैमरा मिल रहा है F2.0 अपर्चर के साथ, ऑटो फोकस के साथ, जस्ट 1080p वीडियो बनाएगा। सेल्फी कैमरा मिल रहा है हमें 5 MP का F2.2 अपर्चर के साथ, लाउड स्पीकर मौजूद है, 3.5 mm ऑडियो जैक मौजूद है, ब्लूटूथ 5.0 मौजूद है, टाइप सी 2.0 मौजूद है, 5000 mAh बैटरी भी है इसके अंदर, और वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग कुछ भी मौजूद नहीं है इसके अंदर, वही सिंपल टिपिकल चार्जिंग आएगी। ठीक है ना, बस इसमें यही थी स्पेसिफिकेशन। ठीक है ना, अब मेरे ख्याल से इन्होंने सैमसंग ने कैमरे में बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत काम किया। ठीक है ना, जस्ट 8 MP का सेंसर डाला है, मेरे ख्याल से 13 MP का कर सकते थे, और F2.0 के हिसाब से मेरे ख्याल से F1.9 का अपर्चर डाल सकते थे, तो लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाती है। ठीक है ना, बट जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसका डिस्प्ले वगैरह बैटरी काफ़ी अच्छी है, और इसके रैम भी अच्छी आई है। ठीक है ना,
देखें बेस वेरिएंट में आपको $150 के प्राइस में मिल रहा है। इतनी इंटरनेशनल इन्फ्लेशन चल रही है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में, इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है ना। अभी आईफोन के मोबाइल आ रहे हैं वो भी $1200-1200 के मोबाइल होंगे, उनकी स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है ना। मतलब जो 14 प्रो मैक्स की $1200 प्राइस आएगी इस दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और तो ये मेरे ख्याल से मोबाइल, अगर तो आप ज़्यादा कैमरा यूजेज नहीं करते, तो आपके लिए मोबाइल बड़ा बेस्ट होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा मोबाइल, ठीक है ना। एटलीस्ट ऑन स्पेक्स तो मैं ये देखकर कह सकता हूँ, ठीक है ना। बट जब मोबाइल आएगा तब तक के लिए इसके रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग वगैरह देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, इसका कंपेरिजन देखने के लिए। मैं जब भी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकूँगा, बट इसकी मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और इसका चिपसेट, और इसकी रैम और इंटरनल स्टोरेज मुझे काफ़ी पसंद आई है। और इसमें ग्लास फ्रंट होगा तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी चीज़ है मोबाइल के अंदर। इसका रिव्यूज़ देखने के लिए लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें।